कहाँ हैं ये लोग? Come on. मैंने कहा था ना तुम लोग से कि होशियारी मत करना, पर तुम लोग बाज नहीं आए। उस बुढ़िया की जान जाते जाते बच गई। बाज आ जाओ वरना नेक्स्ट किसका नंबर लगेगा गॉड नोस। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? Now what? शिवा, सब पर निगरानी रखो, खास करके माही। कल उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या हुआ माही? शिवा देखना कि इस घर से कोई बाहर नहीं जाए। लेकर जाओ माही को और इसे किचन में रखो और इसे सोने के लिए बेड नहीं देना। और ध्यान रहे कि आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कल हमारी शादी है ना, तो मुझे अपने पति के लिए बहुत खूबसूरत दिखना है। मैडम, मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम, मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम, रुक जा। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? मैडम वो सत्या मैडम। सत्या? सत्या क्या? वो सत्या भाग गया। What? क्या बोला तुमने? मैडम वो सत्या भाग गया। इडियट, एक आदमी का भी ख्याल नहीं रख सकते तुम लोग। सत्या, सत्या कहाँ हो? कहाँ मर गए सब के सब? ढूंढो। क्या हुआ? सत्या कहाँ हो? मुझे क्या पता? सत्या कहाँ है? नहीं पता मुझे। कहाँ है सत्या? अरे हमें क्या पता सत्या? हमें नहीं पता। अगर मुझे सत्या नहीं मिला ना तो मैं सबको उल्टा लटका दूंगी। लेकिन हमें नहीं पता। लगता है सत्या गाड़ी से भाग रहा है। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। Can you shoot? Yes ma'am. Sorry सत्या, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं उस चुड़ैल से तुम्हारी शादी रोकने का। फंस गए। सत्या, साइन कर दो ना मेरी जान। साइन करो सत्या। कम ऑन, कम ऑन। साइन सत्या। साइन सत्या। Well done. Mahi, your turn. इंस्पेक्टर साहब, ये है लीना, इसे गिरफ्तार कीजिए। माही पे झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म। गिरफ्तार कर लो इसे। What nonsense! क्या बकवास कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। I don't know what she's talking. Please, ये क्या हो रहा है? ये मेरा पति है, हमारी शादी हो रही है। मेरे पास प्रूफ है। ये छोड़िए मुझे, ये क्या बकवास हो रहा है? पूछिए इस पंडित जी से, इसने मेरी शादी कराई है। ए पंडित, बोल रहा। अरे क्या सत्य है भाऊ, आपने बोला था ना 5वीं क्लास का मंत्र पढ़ने के लिए, पढ़ दिया। जमाईला, तेरे पास तो वाकई में प्रूफ है। इधर साइन किधर किया हमने? इधर, ओ यहाँ पे है। ये कागजात ये कहते हैं कि तलाक हुआ है, मगर सम्राट सावंत और मिली सेन गुप्ता का। कौन है ये लोग, इन्हें जानती हो क्या? मैं तो नहीं जानता। ये देखो इंस्पेक्टर साहब, किसका साइन है? हमारा साइन नहीं है। बड़ा धोखा दिया तुमने। How could you? बस बहुत हो गया, अभी तुम्हारे जैसी चुड़ैल का साया मैं अपने परिवार पे पड़ने नहीं देगा, समझे क्या? एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी पीठ में तुमने खंजर नहीं भोंका है। दोस्ती का रिश्ता, शादी का पवित्र रिश्ता, आज उसका भी मजाक बनाने चली थी तुम। बस अभी खेल खत्म, अभी लेके जाओ इसको, कोई काम नहीं इसका इधर। चल सत्या, तुम्हारा कभी नहीं होगा। You understand? तुम्हें क्या लगता है अलीना से इतनी आसानी से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा? मैं वापस आऊंगी सत्या सावंत। I'll be back. I know तुम्हारे लिए सब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम जानबूझ के तो यहाँ नहीं रुक सकते ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अलीना बहुत डेंजरस है। वो अपने पास हमेशा रिवॉल्वर रखती है। वो अकेली लड़की पुलिस को चकमा देकर भाग गई, तो जरा सोचो हमारे साथ वो क्या कर सकती है। और जाएंगे कहाँ? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं पहुँच सकती? गोवा। गोवा? मेरी फ्रेंड का कॉटेज है वहाँ, हम वहाँ कुछ दिन के लिए छुप कर रहेंगे। अलीना पकड़ी जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा इस घर को किसकी नजर लगी है, उतर ही नहीं रही है। एकदम ठीक बोल सत्या, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। हाँ, लेकिन आज रात हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। उसकी तुम चिंता मत करो, मैंने सिक्योरिटी एजेंसी को फोन कर दिया है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए, वो लोग अरेंज कर रहे हैं। मेरा बेटा ठीक तो है, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। हे गणपति बापा, माझ्या सत्याचं रक्षण कर रे देवा। निकलो। क्या हुआ? एलिना गाड़ी के अंदर है, मैंने डिक्की में बंद कर दिया। उसको बंदूक है उसके पास। मैं ठीक हूँ, चलो 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 कम भाई, चलो। हे दुर्गा मैया, सबकी रक्षा करना। मेरा ना जी बहुत घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमें उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। एकदम ठीक बोल, धीरज रखो, माता रानी सब ठीक करेगी। एक मिनट सत्या, तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है, तुम ठीक तो हो ना? माही, रुकने का वक्त नहीं है हमारा। सत्या चुपचाप यहाँ खड़े रहो। सत्या तुम्हारा खून बह रहा है, हम इस तरह नहीं भाग सकते, खून को रोकना पड़ेगा। अलीना हमारे पीछे, हमें यहाँ से निकलना होगा। सत्या लेकिन गाड़ी में हमने 2 गोली चलने की आवाज सुनी थी, दूसरी गोली। ये तावीज पहनना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। बाबा की मजार से लाई, मेरी आई के आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। तो कुछ नहीं। मामी कॉल करके तो देखो ना सब सही है कि नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। फोन लगाइए। हाँ मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ चलो, रुको, हम एक साथ नहीं जा सकते। क्यों? मेरे घाव की वजह से हमने खून के निशान छोड़े हैं। अलीना पीछा करते करते हम तक पहुंच सकती है। हमें रास्ते बदल के जाना होगा, तुम लोगों को एक साथ और मुझे अकेले जाना होगा। नहीं सत्या, इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती। माही जिद मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। माही सत्या जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, चलो लेके जाइए इसको। माता रानी मेहर करो, माता रानी। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? मैंने बहुत बार कोशिश की, सत्या और माही दोनों का नंबर नहीं लग रहा है। ये क्या हो रहा है? माही मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सत्या तुमने देखा था ना, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वो सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लो। सत्या मैं जेल नहीं जाना चाहती, तुम सब संभालोगे ना? मैं चाहती हूँ तुम कर सकते हो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। सत्या माही, माही माही सब कुछ कर सकता है, ये तुमने कहा ना, मैं ना तुम्हारे साथ में, मैं कुछ नहीं होने देगा तुमको, ये वादा है मेरा। उस अलीना ने तुम पे बंदूक तानी हुई थी, जान से मारने वाली थी तुमको। जो तुमने किया वो अपने बचाव में किया, वो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिफेंस। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये वादा है मेरा, भरोसा है ना सत्या पे? बस। माही सत्या बिल्कुल सही कह रहा है, अगर तुम उसे नहीं मारती तो वो हम लोगों को मार देती। अरे ये देखो इनकी गाड़ी, लगता है पहुंच गए। हाँ हाँ वो देखो, देखो चलो देखते। चलो चलो चलो, चलो, चलो। भी था। ये रही माही। कैसे हो माही? माही क्या हुआ? तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? है हाँ, तुम ठीक हो ना? अरे वो रे सत्या, सत्या। अरे अविदिता कैसी हैं आप? पाइलागू दीदा खुश रहो। आई अरे आप लोग इस तरह अचानक कैसे? तुम लोगों के जाने के बाद मन बहुत घबरा रहा था तो हमसे रहा नहीं गया, हम भी आ गए अर्जेंट फ्लाइट पकड़ के। नहीं नहीं बढ़िया, क्या वही क्या है सब लोग साथ में है तो मजा आएगा। सत्य ये क्या हुआ? चोट कैसे लग गई? नहीं वो उसकी तबीयत सुबह से थोड़ी ऊपर नीचे है, वो पूरा पहाड़ वहाड़ के थ्रू आए ना तो थोड़ा सा आप समझ रही है ना। मैं आऊं चेक करके? अच्छा अच्छा ख्याल रखना उसका, जा। सत्या कोई बात नहीं माही, मैं रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो। एक मिनट गोवा पुलिस। इस एरिया में फायरिंग हुई है, हम चेक करने आए हैं और हमें इस घर की तलाशी लेनी है। इंस्पेक्टर साहब तलाशी काहे को? ऐसा क्या हुआ है इधर? तलाशी किस बात की तलाशी? इसे बाहर निकालो जल्दी। जी सर। बोलो इसे। सर ये तो नकली है। माही मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सत्या की जख्म देख के वो पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ क्यों? अरे उसने कहा ना कि पंक्चर ठीक करते वक्त लग गया, और पुलिस का क्या, उनका तो काम ही है ना शक करना। भाई वो पुलिस बोले मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती। सत्या चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ। सत्या, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यही है माही। प्लीज तुम यहीं पर रहो। मैं यही हूं माही। माही 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 कहाँ गई? माही माही, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ? क्या क्या बात? क्या है? वो खिड़की में। खिड़की में क्या? अलीना। अलीना? लेकिन तो कोई भी नहीं है। लगता है इसने कोई सपना देखा। चलो तुम बैठो, बैठो यहाँ। मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ पानी लेकर आओ। शांत हो जाओ। पानी चलो पानी पियो। लो लो पानी पियो। लगता है इसने अलीना का सपना देखा है। ये अलीना तो हमारी जिंदगी से कभी जाएगी नहीं। वहाँ पर थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो अलीना वहाँ पर खड़ी थी सत्या, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे घूर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो अलीना वहाँ पर खड़ी थी सत्या। मैं अपने हाथों से उसकी लाश ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। मर चुकी है अलीना, वो नहीं है। संभालो अपने आप को। अगर अलीना मर चुकी है तो फिर खिड़की में अलीना की आत्मा, वो मुझे परेशान कर रही है सत्य। वो मुझे जीने नहीं देगी। मैं वहां पर सत्य। संभालो अपने आप को। कोई आत्मा नहीं है, कोई चुड़ैल, कोई भूत नहीं है। वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। वो संभालो अपने आप को। मर चुकी है वो। सत्या, माही को सीरियस ट्रॉमा हुआ है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ये मत भूलो कि माही के गाड़ी के नीचे अलीना आकर मर गई। हमें पता है कि इसमें माही की कोई गलती नहीं है, लेकिन माही जैसी लड़की जो एक चींटी नहीं मार सकती, उसके बारे में सोचो। उसके गाड़ी के नीचे एक इंसान। सत्या, तुम्हें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लीज। इन हाथों से ना सासू मम्मी, किसी की लाश को ठिकाने लगा के आया है मैं। कैसे रखेगा पेशेंस में? अरे भाड़ में क्या पेशेंस? आपको दिख नहीं रहा क्या हालात क्या है? किधर से रखेगा पेशेंस में? ये अलीना हमारी जिंदगी से निकल के भी हमारी जिंदगी में ही है। माही के जहन से नहीं निकल रही है वो, और आप पेशेंस की बात करती हैं। वक्त के साथ ये घाव भी भर जाएगा सत्या। आपने माही का चेहरा देखा है क्या? ये भरने वाला घाव लगता है क्या आपको? अरे नर्क भोग रही है बेचारी वो, और मैं भी। हेलो भाई को। ये सब क्या है सत्या? ये सब क्या है बोला तो ये पेस्ट्री है, ये साथ में जूस है, और ये साथ में सेंटा क्लॉस की टोपी। और मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहता है। मगर सत्या तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम्हारी सुनना नहीं चाहता है, समझी क्या? चुप रहने का। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता। क्यों? क्योंकि कल मैं चीख दिया ना तुम पे। नाराज हो गया तुमसे। वो प्रेशर सारा, अब तो नहीं होना चाहिए था नाराज। मुझे समझना चाहिए था कि इतना कुछ बीत रहा है तुम पे। तुम्हें समझाना चाहिए था, पर पापा को बैठा मैं। उसके लिए सॉरी। मैं जानती हूँ सत्या, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? माही, कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी परेशानी, कैसी तकलीफ? माही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, कल ठीक है। क्या हुआ? वकील साहब का फोन, कल ऑफिस में बुलाया, कह रहे कि कुछ अर्जेंट है, पता नहीं क्या अर्जेंट है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तो बाढ़ में क्या अर्जेंट काम? माही, क्या हुआ है? सत्या, क्या हुआ है? तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे ना सत्या, वो दोबारा आई थी, यही बैठी थी, मेरा गला दबा रही थी सत्या। क्या हुआ माही? सत्या वो मुझे बाहर डालेगी, वो मुझे बाहर डालेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हो। ये क्या बोलने जा रही है? जब से गोवा से आई है एक ही बात कहती जा रही है, कौन बाहर डालेगा कौन? माही यहाँ कोई और नहीं है। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे?